हेलो एवरीवन, दिस इज सुनंदा दियान, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बताइए, क्या आपके बाल बहुत रफ हो गया है? क्या आपके बाल एकदम फ्रीजी हो गई है? क्या आपके बाल एकदम मतलब झाड़ू जैसा हो गया है? तो अगर आपके बाल ऐसे कुछ हुआ है तो आपके बालों को कुछ नहीं चाहिए, बस एक अच्छी केराटिन ट्रीटमेंट चाहिए। हाँ, आप पार्लर में ज़रूर जाके करा सकते हैं, वो बहुत महंगा भी होता है, वो केमिकल उसमें था मतलब रहे। जैसे पार्लर में केराटिन ट्रीटमेंट एक बहुत महंगा प्रोसेस होता है, ठीक वैसा ही अगर आप घर में केराटिन ट्रीटमेंट करेंगे अपने बालों में तो उतना ही सस्ता पड़ेगा। तो आप ही डिसाइड करें पहले तो कहाँ पे जाओगे, घर में करोगे या फिर पार्लर में जाओगे। अगर आप घर में करना पसंद करोगे तो मेरा ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। पहले मैं बता दूँ केराटिन ट्रीटमेंट होता क्या है। तो केराटिन एक प्रकार का एक प्रोटीन है जो हमारे बालों में, मतलब आपके बालों में, हमारे मेरे बालों में, सबके बालों में रहता ही है। इसको कोई बाहर से दे नहीं सकता है, सिर्फ ये करना पड़ता है हमें, ताकि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है हमारे बालों के लिए, ताकि वो हमारा मतलब हमारे बालों वो प्रोटीन नेचुरली ये कर सके। तो आपके बालों में ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा ताकि अपने मतलब आपके बाल वो अपना काम कर सके, और वो केराटिन जो एक नेचुरल प्रोटीन है जो अपने हमारे बाल ही बालों में ही रहता है, वो अपना काम कर सके अच्छी, और हमारे बाल एकदम सुंदर सॉफ्ट सिल्की रहे। तो आप देखो, केराटिन ट्रीटमेंट वाला वीडियो मतलब आपको बहुत सारी जगह पे मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो मेरे मतलब यहाँ पे आपको क्या ऐसा मिलेगा जो कहीं पे भी नहीं मिलेगा? तो ये मैं बात हर एक वीडियो पे बोलती हूँ कि मेरे चैनल पे आपको ठीक वैसा ही वीडियो मिलता है जो बहुत ऑब्वियसली रिजल्ट देता है, और उसके साथ साथ वो बहुत मतलब कम टाइम का होता है, कम प्रोसेस का होता है। ठीक वैसे ही आज हम घर में बहुत ईजीली केराटिन ट्रीटमेंट करेंगे, उसके साथ साथ वो सबसे कम टाइम में भी मतलब कम टाइम का, सबसे कम प्रोसेस, सबसे कम टाइम, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक क्रीम तैयार करो, बस अपने बालों में लगा लो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे है लो पोरोसिटी हेयर है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बोला है, ये वीडियो मैं सबसे कम मतलब ये ट्रीटमेंट मैं सबसे कम टाइम में करके दिखाऊंगी, ये मेरा एक चैलेंज था। तो इसीलिए मैंने मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं शैम्पू करती हूँ उससे पहले ऑयलिंग करती ही हूँ। तो ये केराटिन ट्रीटमेंट करने से पहले भी मैं मेरे बालों में ऑयल लगाई थी, वो भी मैंने थोड़ा सा मतलब ऑलिव ऑयल लगाई थी, उससे कम कैस्टर ऑयल लगाई थी। तो जैसे आपको पता ही है कैस्टर ऑयल बहुत ठीक होता है, तो जैसे मेरा लो पोरोसिटी हेयर है, तो हेयर है, तो मैं कैस्टर ऑयल बहुत कम लिया था और उससे थोड़ा ज़्यादा ऑलिव ऑयल लिया था। दोनों मिक्स करके मैंने रात को ऑयलिंग किए थे बालों में। तो सुबह उठ के बस कुछ नहीं किया मैंने, वो बस क्रीम मैंने रेडी किया और मेरे बालों में लगा लिया। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, ठीक है। ज़्यादातर लोगों का मेरा ऐसा मानना है, मुझे टाइम मिलता नहीं है उतना ज़्यादा, तो मुझे ऐसा लगता है उतना ज़्यादा किसी के पास अभी टाइम नहीं है कि बैठ के ये करो वो करो ये करो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो ऐसा बिल्कुल मत करो, और भी प्रोसेस आपके पास है अवेलेबल, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप ये डेफिनेटली करना, उसके साथ साथ रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे मैंने बोला है, रात को मैंने ऑयलिंग किए थे, सुबह उठ के मैंने वो क्रीम प्रिपेयर किए हैं, उसके बाद मेरे बालों में लगा लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास और थोड़ा टाइम है तो ऑयल मतलब बालों में जो ऑयल लगा हुआ है उसके ऊपर ही क्रीम लगा लीजिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद, आधा घंटा एक घंटे के बाद, क्रीम लगाने के बाद आधा घंटे एक घंटे के बाद, एक टॉवल को लेके हॉट मतलब गर्म पानी में डुबो के अपने सर में लगा लेना है, अगर आपके पास उतना टाइम है तो। अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्रीम लगा लीजिए, उसके साथ साथ शावर कैप या फिर कुछ प्लास्टिक अपने सर में लगा लीजिए, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक घंटा रखिए। उसके बाद आप अपने हिसाब से कुछ भी शैम्पू से हेयर वॉश कीजिए।
तो ये केराटिन क्रीम बनाने के लिए हमें जो पहले चाहिए वो है 2 चम्मच फ्लैक्स सीड। उसको मैंने 1 ग्लास पानी में नहीं, उसे थोड़ा सा कम पानी में मैंने बॉईल कर लिया है। तो ये देखिए, ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि वो जेल में ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं है। अगर आपके हाथों में ऐसे धागे की तरह ऐसे बने तो आपको समझना पड़ेगा कि वो जेल में ट्रांसफ़र हो गया है। देखिए, ये एकदम पूरे जेल में तक ट्रांसफ़र हो गया है। तो मैंने 2 चम्मच चावल को मैंने पका लिया है। तो अभी मैं इसके साथ मैं 2 चावल जो जिसको मैंने पका लिया था उसको मैं इसके साथ ऐड करूँगी। देखिए, मैंने जो बना हुआ था वो मैं ले रही हूँ, और इसके साथ मैं लूँगी थोड़ा सा मतलब 1 चम्मच शहद। इसके साथ मैं 1 चम्मच शहद यूज़ करूँगी। तो मतलब तीनों को मिक्स करके बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। बहुत एकदम अच्छी तरह से ग्राइंड करना है ताकि उसमें थोड़ा सा कुछ भी ना रहे। देखिए, ये मेरे क्रीम एकदम रेडी हो गया है। केराटिन क्रीम एकदम बालों में लगाने के लिए एकदम परफेक्ट बना हुआ है। तो कुछ भी बालों में लगाने से पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बालों को बहुत अच्छी तरह से कॉम करना, क्योंकि आप अगर उलझे बालों में कुछ लगाएंगे तो ज़्यादा बाल झड़ने की चांसेस रहती है। तो अब कुछ नहीं, मैंने ऑयलिंग किया है उसके ऊपर ही। जो क्रीम मैंने रेडी किए है वो थोड़ा सा गर्म नहीं बोलूँगी, मतलब थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा ठंडा हो गया है, ऐसा नहीं है। जो क्रीम मैं लगा रही हूँ तो थोड़ा सा क्या बोलते, गुनगुना है पूरा क्रीम। तो ऐसे ही आपको गुनगुना सा क्रीम बनाना है, और बालों में बस छोटे छोटे पोर्शन लीजिए और ऊपर से नीचे तक आपको वो क्रीम लगानी है जो हम लोगों ने, मतलब जो मैंने बनाए हैं वो पूरे ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छी तरह से लगाऊंगी। अपने स्कैल्प में भी लगाऊंगी, क्योंकि ये घर का केराटिन क्रीम है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। तो हम स्कैल्प में भी लगा सकते हैं, वो हमारे बालों के लिए जैसे मैंने बोला है बहुत ही अच्छा है। चावल, फ्लैक्स सीड, हनी, सभी हमारे बालों को बहुत अच्छी तरह से शाइन करेगा। जो मतलब बालों को जो जो चाहिए वो सारे के सारे यहाँ पे है, वो सब देंगे। तो लगाने के बाद ये एक प्लास्टिक ऐसे बालों में लगाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हेयर वॉश करने के बाद आप देखना आपके बाल कैसे दिखता है। तो ये केराटिन ट्रीटमेंट के लिए मैंने जो लिया है वो है चावल। चावल के बारे में और कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। चावल के अंदर हर कुछ रहता है, हर कुछ मौजूद रहता है जो हमारे बालों के लिए चाहिए होता है। तो अगर आप अपने बालों में चावल लगा रही है तो और कुछ करने की और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ और एक लिया है मैंने, वो है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये बस दोनों मैंने लगाया है, मतलब दोनों लिए हैं। अभी मैं दिखाती हूँ मेरे बालों का रिज़ल्ट। तो मैं बताती हूँ, ये मैं दिखा रही हूँ 3 दिन बाद, ठीक है। उसके बाद जिस दिन मैं वो क्रीम लगाई थी उसके बाद से ही, मतलब शाम से ही मेरा माइग्रेन स्टार्ट हो गया था। जब भी मेरा माइग्रेन स्टार्ट होता है तब मैं कुछ इधर उधर देख नहीं पाती हूँ, तो तबीयत मेरा ठीक नहीं था। तो इस वीडियो को मैंने आज शूट कर रही हूँ 3 दिन बाद, उसके 3 दिन बाद। और मेरा है ऑयली हेयर, मतलब आज अगर शैम्पू करती हूँ तो 2-3 दिन बाद ही मेरा मतलब हेयर ऐसे ऑयली सा हो जाता है। तो अभी देखिए 3 दिन हो गया है, फिर भी मेरे बालों में एक जो शैम्पू करने के बाद जो एक नेचुरल वॉल्यूम होता है वैसा ही है, ठीक। मतलब ये सिर्फ हुआ है तो, क्योंकि मैंने जैसे मैंने बोला है 3 दिन से मेरे बाल बंधे हुए हैं तो इसीलिए ऐसा हुआ है। नहीं तो मेरे बाल अभी भी मेरे बालों में एकदम प्रॉपर वॉल्यूम है, देख के आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैंने आज शैम्पू नहीं किए हैं। तो इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया है वो।
इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये रेमेडी एक गज़ब का ही रेमेडी है, क्योंकि इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बोला है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो ये प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो अगले दिन बालों में ऑयल लगा लीजिए, तेल लगा लीजिए, उसके बाद सुबह उठ के शैम्पू कर लीजिए, बाल सूखने के बाद ये क्रीम रेडी करिए, उसके बाद ये क्रीम लगा लीजिए, एक घंटा छोड़िए, उसके बाद फिर से शैम्पू कर लीजिए। तो बस आपके पास ये टाइम नहीं है इतना कुछ करने की एक दिन में, तो बस ये फॉलो कीजिए, आपको उतना ही टाइम, मतलब उतना ही आपको गजब का रिजल्ट मिलेगा। इतने कम टाइम में इतना अच्छा एक रेमेडी ट्राई तो करना बनता ही है, तो ये रेमेडी ज़रूर डेफिनेटली ट्राई कीजिए और मेरे साथ डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट शेयर करिए। और बस तो ये रेमेडी कोई भी फॉलो कर सकता है। जैसे मैंने बोला है मैंने, मेरे लो पोरोसिटी हेयर है, तो हाई पोरोसिटी हेयर, लो पोरोसिटी हेयर, मीडियम, सभी हेयर पोरोसिटी हेयर वाले ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये 15 दिन बाद बाद मैं करती हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप महीने में एक बार करिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप 15 दिन में एक बार करिए। उसे मतलब अगर आपके बाल थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गया है तो आप 10-12 दिन बाद बाद भी कर सकते हो, अगर आपकी लो पोरोसिटी हेयर नहीं है तो। जैसे मैंने बोला है, मेरे बालों में ऑयल लगाई थी, वो भी कैस्टर ऑयल, जो इतना ज़्यादा थिक होता है, तो 1-2 वॉश में ही मेरे बालों में से सब जो ऑयल था वो तो निकल गया ही। उसके साथ साथ जो मैंने दिया है, जो मैं चाहती थी मेरे बालों को मिले, वो भी बहुत अच्छी तरह से मेरे बालों को मिला है। तो बस ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। आज का वीडियो का अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, तो उसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी क्लिक कर देना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।